दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू छोटी बहू की कमी को उजागर करने की कोशिश ना करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राशि कल सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह के 5 बजे पूजा तुम्हें ही करनी है। इस घर का यही नियम है, याद रहे नहीं कर तैयार हो जाना, पहली पूजा तुम्हें ही करनी है। जेठाने की बात याद करते हुए राशि 4 बजे का अलार्म लगा सो गई। सुबह जब अलार्म बजा नींद में ही वह अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई। सुबह की नींद वैसे ही सबको बहुत प्यारी होती है, फिर जिसे देर तक सोने की आदत हो वह कैसे जल्दी उठ सकता है। राशि कल ही ब्याह कर आई थी, अभी मायके की गलियों से निकले, ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं था। यूं तो नई जगह पर नींद कहाँ आती, पर थकान की वजह से वह जरूरी जल्दी नहीं सो गई थी और ये ध्यान ही नहीं रहा कि वह ससुराल में है। बस फिर क्या था, वह कुछ दिन और सो गई। राशि उठो, दरवाजे पर दस्तखत के साथ फुसफुटाई सुनाई दे रही थी। क्या है, कोई सोने भी नहीं देता। ज्यों ही सादर लपेट करवट बदलने को हुई, सामने निकुंज को देख हड़बड़ा कर उठी हुई माँ। ये तो उब 5 बजने वाले दरवाजे पर अभी भी राशि का नाम सुनाई दे रहा था। दरवाजा खोलकर देखी तो सामने जेठानी खड़ी थी। लगता है देवर जी ने रात पर जगाई रखा, जो नींद नहीं खुल रही तुम्हारी। कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, चलो जल्दी से नहाकर आ जाओ, नहीं तो बात वही छोड़। राशि को जल्दी आने बोल, उसकी जेठानी चली गई। राशि फटाफट नहाकर जैसे तैसे साड़ी लपेट कर पूजा स्थल पर पहुंच गई। शादी में आई लगभग सभी औरतें वहां एकत्रित थी। नई बहू पहले दिन ही देरी कर दी और ये क्या, साड़ी भी बांधनी नहीं आती तुम्हें। अरे कुछ सीखो अपनी जेठानी से, वैसी बहू बनो जो सबके दिल पर राज करे। बुआ सास के एक एक शब्द राशि को तीर की भांति सुब गए थे, फिर भी मन महसूस कर वह बस इतना ही कह पाई, जी बुआ जी गलती हो गई, आज आगे से ध्यान रखूंगी। राशि की जेठानी जल्दी जल्दी पूजा की सब तैयारी कर राशि को पूजा करने कह रही थी। सासू माँ एक किनारे पर सबके साथ बैठी हुई थी। पूजा समाप्त कर राशि ने सबके पास सुकर आशीर्वाद लिए, तभी जेठानी रति ने कहा, राशि पहली रसोई भी निपटा लो, फिर बहुत लोग चले जाएंगे तो शिकायत करते रहेंगे। छोटी बहू ने हमें कुछ बनाकर खिलाया भी नहीं, तुम्हें जो आसान लगे वह बना लो, बाकी खाना बनाने को कमला है वह कर लेगी। राशि ठीक है कहकर रसोई की ओर सर्दी, कहाँ से क्या शुरू करे कुछ समझ नहीं आया, पहले कभी रसोई की जिम्मेदारी निभाई हो तो जाने। कमला ने धीरे से कहा, नहीं बहू आप बस सब्जी और खीर सलाद और 5 से पूरियां तल लो, बाकी मैं संभाल लूंगी, आप सबको खिला देना। जब बड़ी बहू आई थी तो उन्होंने भी यही किया था। कमला जी की बात सुन राशि ने वैसे ही किया, पर ये क्या, जब सब खाना बैठे तो बुआ जी और ताई जी ने साथ में करना शुरू कर दिया। ये क्या, नहीं बहू तुमने कुछ बनाया नहीं, ये सब तो कमला ने ही बनाया है। भाई हम तो तुम्हारे हाथ के खाने का सवाल लेने बैठे थे, पर कोई नहीं, ये लो शगुन रख लो। राशि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हें कुछ भी बनाने नहीं आता, नहीं तो मैं मदद कर दी। जेठानी पास आकर धीरे से बोली, तभी कमला और पूरियां लेकर आती हुई सब सुनकर बोली, नई बहू को सब कुछ बनाने आता है, वह तो जब बड़ी बहू आई थी तो वह ने जैसा किया वही मैं छोटी बहू से कह दी, फिर घर की मालकिन ने भी मुझे यही कहा हुआ है बहुओं की मदद करना। अरे बाप अभी तो आई है नई बहू, वह भी बना कर खिला देगी, आप सब काई चिंता करती हैं। लो नई बहू
पूरियां डाल दो सबकी थाली में। राशि सूप सा पूरियां डालते हुए सास के पास जब आई तो वह ने उसे एक हार देते हुए कहा, बहू मुझे निगुज ने पहले ही बता दिया कि तुम एक बेटी बनकर इस घर आना चाहती हो। मेरे बस में होता तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी सुबह नहीं जगाती। मुझे खुशी हुई कि तुमने कोशिश तो की। जानती हैं दीदी, राशि को भी आपकी तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है, पर जैसे अब आप उठ जाती हैं कल को मेरी बहू भी उठ जाएगी। और हाँ, सलीके से साड़ी तो हम भी शुरू में नहीं पहन पाते थे, पर अब देखो और तुम बड़ी बहू, तुमने राशि की मदद करने की ज़रूरत नहीं समझी। जब तुम आई थी तो क्या मैं साथ खड़ी नहीं थी? फिर आज तुम उसे उलाना कैसे दे दी? तुम दोनों मेरी बहू हो, उम्मीद करूँगी साथ मिलकर चलो, एक की कमी को कम करने की कोशिश करो, उसे उजागर करने की नहीं। बहुत देर से देख रही थी सब कुछ सोचा, शायद अब सब बदल गया होगा, पर नहीं, हम अभी भी आने वाली बहू में कमियां ही तलाशते रहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी कभी नई बहू बनकर आए थे? राशि सासू माँ के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गई। वह तब से यही सोच रही थी कि सब बोल रहे, पर सासू माँ क्यों सुबह बैठी हैं शायद वह सब जानती थी, इसलिए वक्त का इंतजार कर रही थी। राशि की जेठानी को भी एहसास हो रहा था कि जब आई थी तो सासू माँ ने कितने अच्छे से सब संभाल लिया था, और इस बार वह बोल चुकी थी नई बहू को कोई कुछ कहे नहीं, इसका ध्यान रखा, नया रिश्ता प्यार से शुरू करना है, किसी तकरार से नहीं। वह राशि का हाथ पकड़कर उसके साथ होने का आश्वासन देते हुए गले लगा ली। ताई जी और बुआ जी राशि की सास की बात सुन सूप साफ खाने लगी। दोनों को पता था वह अपने बच्चों की बुराई सुनना पसंद नहीं करती, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो या फिर बहू ही क्यों ना हो। आज के समय में बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जहाँ लोग प्यार से रहते हो, और जो मिल जाए लोग तनाव पैदा करते, देरी नहीं करते।